संधि के पांचों भेद को निकाल देंगे आज एक ट्रिक से। ये जो कालम बनाया है, कालम ए, कालम बी, कालम सी, तीन कालम से ही पूरी संधि समाप्त। देखिए, अगर कालम ए के बाद कालम सी आता है, कालम ए के बाद कालम सी आता है, यानी कि कालम बी नहीं आता है, कालम ए के बाद कालम सी आता है, यानी कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए ए औ औ आए, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। ये है आपका वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। अब देखिए, छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि ए ए ओ आओ आए तो वृद्धि संधि हो जाएगा, यानी कि वृद्धि संधि का ए हो जाएगा और ओ हो जाएगा। मतलब अगर आ के बाद ए आए तब भी ए ही होगा, और आ के बाद ओ आए तब भी ओ ही होगा, यानी कि वृद्धि का मतलब बड़ा होता है। तो आपका ये जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला ही आएगा, चाहे ये आए तो ये ही होगा, ये आए तो ये ही होगा। ये आपका हो गया वृद्धि संधि। अब देखेंगे गुण संधि क्या है। जैसे वृद्धि संधि में एग्जाम्पल मैंने लिखा क्या है वृद्धि संधि, देखिए सदा धन एव, सदा, इसमें जो सदा है दा में आ बड़ा आ का मात्रा लगा है, और देखिए आ के बाद ए वाला है ए, तो एक ए जो छोटा ए है इसका मैंने बताया कि बड़ा ए होता है, तो देखिए यहाँ पे आके आ गया बड़ा ए, तो ये निकल के आ गया आपका सदैव बड़ा। अब देखेंगे गुण संधि। देखिए, अगर कालम ए के बाद कालम बी आता है, यानी कि कालम ए के बाद कालम बी आता है, कालम ए के बाद कालम बी आता है, यानी कि कालम सी नहीं, कालम बी, इस कालम के बाद ए वाला कालम आता है, यानी कि इस कालम में जितने भी अक्षर हैं आ आ के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, कोई भी आ जाए तो आपका हो जाएगा ये वाला आए हो जाएगा, ए हो जाएगा और औ हो जाएगा। यानी कि गुण से, गुण संधि से यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि छोटा ए और बड़ा औ, और वृद्धि से मतलब बड़ा होता है बड़ा ए और बड़ा औ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गुण संधि। यानी कि कालम ए के बाद अगर कालम बी आता है तो आपका कोई भी आता है, अगर आ ई ई आता है तो आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और अगर बड़ा आ या छोटा आ के बाद क्या आता है ऊ ऊ आता है तो आपका ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे लोग देखते हैं क्या है गुण संधि का, महाधन उदय। देखिए यहाँ पे जो है बड़ा आ है, यानी कि ये वाला बड़ा आ है, और ये जो है उदय यानी कि ऊ है छोटा ऊ, यानी कि देखिए कालम ए के बाद कालम बी वाला अक्षर आ गया ऊ है, तो ऊ का जो मैंने बताया था ओ हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ओ हो गया, तो महोदय इस प्रकार हो गया। अब देखेंगे आगे हम लोग यण संधि। यण संधि क्या है, देखिए इसी तीनों कालम में मैंने संबंध बता दिया है। क्या है कालम यण में, अगर कालम बी के बाद कालम ए आता है, कालम बी के बाद कालम ए आता है, और कालम क्या आता है सी आता है, यानी कि इन कालम बी के बाद चाहे कालम ए आ जाए या कालम सी आ जाए, दोनों ही कालम, चाहे दोनों दो कालम में से चाहे जो एक कालम आ जाए, चाहे ए आ जाए चाहे सी आ जाए, तो आपका ये हो जाएगा यण संधि, यण संधि हो जाएगा बाबू, यण संधि। अब यण संधि कैसे हो जाएगा, यण संधि में आप लोग को, यण संधि में क्या होता है, जो छोटी ई और बड़ी ई है इसका होता है या होता है, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ का होता है वा होता है, और री का होता है रा होता है। यानी कि अगर कालम बी के बाद कालम ए आए तो ई, ई के बाद आ आए तो ई का या हो जाएगा, और अगर कालम ऊ ऊ के बाद आ आए तो ऊ का वा हो जाएगा, और री के बाद छोटा आ या बड़ा आए तो रा हो जाएगा। और यहाँ पे आगे देखेंगे, अगर ई ई के बाद ए या ए आए तो जो ई या
ई का यह होगा, लेकिन ए का मात्रा इसी पे चढ़ जाएगा यहाँ पे। और अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद ओ या अ आए तो ओ का जो है ऊ का वह होता है और इसी पे एक मात्रा चढ़ जाएगा। और री री का जो है रा ही है, तो रा का इसका इसका रहा करेगा रा, तो इस प्रकार है। अब देखेंगे क्या है गुण संधि में, यण संधि में क्या है। अधिधन अयन, अधिधन अयन यानी कि छोटी ई का जो है ई का या होता है, तो मैंने या लिख दिया। और उसके बाद क्या है आया है अन यानी कि आ, छोटा आ, तो ई और आ का या होता है, तो या और आ बराबर या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या अध्ययन, अध्ययन निकल के आ गया। अब आगे देखेंगे हम लोग अयाध संधि, क्या है अयाध संधि। अब देखिए यदि कालम सी के बाद कालम बी या कालम ए आता है, यदि कालम सी के बाद कालम बी या कालम सी आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप सबका अयाध संधि। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है क्या होगा, ए का होगा ए और ए का आय होगा, ओ का होगा औ और औ का होगा आओ। आप सबको इतना याद करना है अयाध संधि में। अब क्या होगा जब कालम सी के बाद कालम बी या कालम ए आएगा, तो क्या होगा जो ये ए है अगर ए के बाद ई आता है यानी कि ए के बाद ई आता है, तो हो जाएगा ए का आय होता है और इसी में धन ई है, तो छोटी मात्रा चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आई, ऐसे निकल के आएगा। अभी हम लोग देखेंगे और फिर आगे। और उसके बाद अगर ओ आता है ओ के बाद क्या आता है वह आता है बड़ा ऊ, तो ओ का हमको पता है ओ का होता है क्या औ होता है, और क्या है बड़ा ऊ की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा औ हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे अयाध संधि में। जैसे देखिए यहाँ पे अयाध संधि में ने धन अन है, ने धन अन है यानी कि ने देखिए ए वाला ए और अन ये वाला, तो ने ए का हम लोग जानते हैं क्या होता है ए ही होता है, यहाँ पे जिसे क्या है ए है तो छोटे ए और अन है तो यहाँ आ। अब ए का क्या होता है ए होता है और छोटा का मात्रा है तो ए हो जाएगा, तो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा क्या नयन। देखिए ना और ये जो ये ए वाला और आ मिलके ए हो गया, तो यहाँ बीच का हो जाएगा या और यहाँ पे ना ही है, तो नयन हो जाएगा। ये होता आप लोगों का इतना कबर। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि की अगर कोई भी शब्द आपसे पूछा जाता है इसमें कौन सी संधि है, अगर बीच में बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ आता है, आप लोग बीच वाले शब्द में देखेंगे अगर बड़ा आ या बड़ी ई बड़ा ऊ आता है, तो आपका तुरंत हो जाएगा वहाँ पे दीर्घ संधि। तो इतना होता है आप सबका यहाँ पे संधि कवर। तो मिलते हैं आप सबसे एक नेक्स्ट जबरदस्त क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।